उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 से जारी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में 5 साल बने रहने के बाद दोबारा वापसी का रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं पार्टी के उम्मीदवारों ने भी कमाल किया। बता दें कि नोएडा में पहले सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना और कुछ ही देर बाद साहिबाबाद में लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन दोनों सीटों पर भाजपा को बंपर जीत मिली है। एनसीआर में भाजपा ने ही 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए हैं। एनसीआर में पार्टी का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को यहां पर किसी भी राउंड में बढ़त मिलती नहीं दिखी। इसका परिणाम रहा कि नोएडा और साहिबाबाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है। साहिबाबाद के नाम पर अब नेशनल रिकॉर्ड हो गया है। यहां से भाजपा के प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। बहुत बड़ा मार्जिन, ये देश में विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत है। दरअसल ये आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ऐसे में जब जीत का अंतर बना तो रिकॉर्ड तोड़ा गया। सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। तो वहीं नोएडा विधानसभा सीट से पंकज सिंह ने पहले रिकॉर्ड बनाया। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह को लोगों का भारी समर्थन मिला, प्यार मिला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह 1.04 लाख वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस बार उन्होंने 1,81,513 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। पंकज सिंह ने इस जीत के साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जिसे बाद में सुनील कुमार शर्मा ने तोड़ दिया।